हमने क्या देखा था कि एक था बायोमास, ठीक है, बायोमास में इसको भेजा जाता है एक प्लांट पर, ठीक है, बायोमास जिसको बोलते हैं वेस्ट से जो एनर्जी में बदलता है, WTE प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक, ये है प्लांट, ये काम करता है। इसके बाद हमको क्या मिलता था, एक बायोफ्यूल मिलता था और इसी में से हमको मिलता था एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते थे, हीट के फॉर्म में मिलता था वो, ठीक, ये हमने देखा था कि लास्ट टाइम ऐसा कुछ काम करता था, ठीक है, इनको बोलते थे हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ सकता है कि भाई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसका इंडिया में क्या, इंडिया में सिचुएशन बताओ, इंडियन पोजीशन कैसी है, ठीक है ना, इंडियन में क्या सिनारियो है इसका, इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसी के अलावा इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं इनको लेकर के, ये जो मेथड यूज़ करते हैं कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था कि भी दो मेथड यूज़ करते हैं ये, एक था थर्मल वाला, थर्मल साइड में मतलब टेम्परेचर का यूज़ करके, और एक था नॉन थर्मल, नॉन थर्मल में देखा था कि भाई क्या क्या प्रक्रिया यूज़ करते थे, जैसे कि फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन देखा था, कंपोस्टिंग देखा था, क्लियर, कैटालिसिस देखा था, इसमें क्या क्या देखा था, इसमें देखा था कि भाई पायरोलिसिस देखा था, इसमें देखा था इंसिनरेशन, ठीक है, पायरोलिसिस इंसिनरेशन, फिर उसके बाद इसी में एक गैसिफिकेशन भी देखा था, ये सब इसके प्रक्रिया थे, ये सब मेथड्स थे, है ना, ये मेथड्स यूज करते थे, कौन यूज करते हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अभी हमको फोकस करना है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर, क्लियर ना, ये बात थोड़ी याद रखना, कौन कौन सी प्रोसेस, तीन इधर देखा, फर्मेंटेशन, कंपोस्टिंग, कैटालिसिस, क्लियर, और इसको हमने समझ लिया था कि भाई ये कैसे काम करते हैं, ये कुछ प्रोसेस हैं इनके, इनका यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, बायोफ्यूल्स, ठीक, इनका यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, बायोफ्यूल्स, क्लियर, ये सब हमने देख लिया था। अब आपको समझना है क्या कि भाई इसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक, इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्लियर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। पहले तो याद रखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट से एनर्जी में बना रहे हैं ना, वेस्ट कौन सा है यहाँ पर, बायोमास, समझा गया, इससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं, एनर्जी प्लस बायोफ्यूल उत्पादन करेंगे। तो भाई हमारा क्या हो रहा है, इस ऐसा करने से ये वेस्ट कहाँ से मिल रहा है हमको, ये तो हमारे इंडिया में ही उत्पादन हो रहा है ना, ये डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब हमारे आसपास से ही ये हम ला रहे, विदेश से तो ला नहीं रहे, इससे क्या होगा, हम अपने ही जो बायोमास था उसी से ही एनर्जी बना रहे ना, उससे क्या होगा कि भाई हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रही, बायोफ्यूल भी मिल रहा है। तो ये ऐसा करेंगे तो हम दूसरे देश पर हमारा जो निर्भरता थी वो कम हो जाएगी, समझा गया, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, दो चीज़ों पे हमने डिपेंडेंस अपनी कम कर दी, एक तो पहले फॉरेन कंट्री से, विदेशियों से, फॉरेन कंट्रीज से, है ना, फॉरेन कंट्रीज से हमने डिपेंडेंस कम कर दी, और दूसरा हमने किस पर डिपेंडेंस कम कर दिया, हमने डिपेंडेंस कर दिया फॉसिल फ्यूल्स पर, समझा गया, फॉसिल फ्यूल्स बोले तो जैसे कि कोल पर अब हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाएगी, है ना, नेचुरल गैस पर निर्भरता कम हो जाएगी, इन पर हमारी निर्भरता कम हो गई। हम क्या, दो एंगल देखो, यहाँ पर हमने दो दो जगह से डिपेंडेंस कम कर दी, एक तो फॉरेन कंट्रीज से, किसी दूसरे देश पर हमको क्या हो गया कि भाई डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, और दूसरा हम फॉसिल फ्यूल्स में भी डिपेंड नहीं रह पाएंगे, मतलब ये कैसा होता है और ये एनर्जी कैसा है, ये रिन्यूएबल है ना, इसको तो बार वेस्ट तो हर दिन जनरेट हो रहा है, तो हम इसको बार बार रीप्रोसेस करके यूज़ कर सकते हैं, समझना क्या पहली बात। दूसरी बात देखो, इससे दो काम हो रहे हैं, देखो डुअल पर्पस सर्व हो रहा है, डुअल पर्पस कैसे, दो दो काम हो रहे हैं, एक है वेस्ट, ठीक है, जो कि कैसा है, बायोमास है, इससे हम क्या क्या देखो, एक तो हम एनर्जी भी उत्पादन कर ले रहे हैं, एनर्जी एनर्जी प्लस फ्यूल हमको मिल रहा है,
और दूसरी चीज़ देखो क्या हो रही है, दूसरी चीज़ हमको वेस्ट का, हम तो वेस्ट को डिस्पोजल भी कर ले रहे हैं ना, तो वेस्ट डिस्पोजल भी हो रहा है, वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, एनर्जी प्लस फ्यूल निकल रहा है हमको, इसको तो हम यूज़ कर लेंगे, और ये वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं। आप मतलब जो भी कचरा होगा उसका प्रबंधन कर दिया गया, समझ में आ गया। अब समझो यहाँ पर तीसरा एडवांटेज समझो, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे अगर हम वेस्ट को डायरेक्ट डिस्पोज करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, समझ में आ गया, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा उसके कारण एरिया भी ज़्यादा कवर करता है, क्लियर। लेकिन जब हम इसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में रखेंगे तो ये क्या करेगा, उसका आयत कम कर देगा, उसका वॉल्यूम कम कर देगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, लगभग 80% वॉल्यूम कम कर देता है। इसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम कम हो गया तो भाई अब एरिया भी तो कम कवर करेगा ना, एरिया कम चाहिए उसको, एरिया कम चाहिए काहे के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए, यहाँ पे देख लो एरिया कम चाहिए वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो भाई पहले सोचो बहुत ज़्यादा एरिया लग रहा था उसको डिस्पोजल करने में, एक बड़ा सा लैंड चाहिए हमको उसको डिस्पोज करने में, अब उसको हम क्या कर देंगे, कम में डिस्पोजल कर दे रहे हैं, समझा रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, अगर हमको इसमें सक्सेस मिल जाता है, सक्सेस इन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, देखो अगर इसमें सक्सेस मिल रहा है हमको वेस्ट मैनेजमेंट काहे का, बायोमास का, अगर इसमें सक्सेस मिल जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप कि भाई हमको जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन पर भी तो हम फिर काम करेंगे कि भाई इनसे भी हम एनर्जी बना लें, अभी तो बायोमास से ही हो रहा है, तो इन पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि भाई यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करें एनर्जी, तो ये हमारा पहला पायदान है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि भाई हमको पहले बायोमास में अगर महारती हम मतलब महारत हमको हासिल हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेप में इनसे भी तो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट और इनसे भी हम क्या निकाल लें, हजार्डस जो भी है एनर्जी, हम उससे एनर्जी प्लस अगर बायोफ्यूल भी पॉसिबल हुआ तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा भाई, हमारा हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं, इंडियन कंपनीज जो भी एंगेज हैं, engaged in waste to energy plants, समझ में आ गया। तो भाई ये जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगी, ये जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी इन सब मामलों में बायोमास में, उतना ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल एक्सपांसन होगा कि नहीं होगा, हमारा पूरे दुनिया में हमारा नाम होगा, तो दुनिया भर में हम जा कर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपांसन हो सकता है, ठीक। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि भाई इसमें से जो भी एनर्जी निकलती है वो क्या है, रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, समझ आ गया, क्लीन एनर्जी है, ठीक। ये सब कुछ एडवांटेजेस, क्लियर है, 6 पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, ठीक, बताओ समझ में आ गया, पक्का। ये क्या है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई दिक्कतें क्या क्या हैं, अगर इतना अच्छा है तो फिर इसी पे क्यों नहीं काम कर पा रही हमारी सरकार, यही करे, कोयला उत्पादन ही ना करे, बाहर से मंगवाए ही ना, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें हैं उसको बोलते हैं हम चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है समझो। पहली बात, ये हमारे देश में एकदम नया आइडिया है, समझ यार, अभी अभी मतलब ये क्या है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, समझ आ गया। तो इसमें हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम ज़्यादा फैला नहीं देते, समझ में आ रहा, अभी अभी हम इसको बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ये न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ठीक। अब इससे रिलेटेड देखो, इससे रिलेटेड दो चीज़ समझो, ये है इंडिया, ये इंडियन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, ठीक, इंडिया में जो काम करते हैं, ठीक है। अब इनको काम करने के लिए बाहर से दो चीज़ लेनी पड़ती है, क्या इंपोर्ट कराना पड़ता है, मतलब आयात कराना पड़ता है, इंपोर्ट, क्या चीज़, एक तो टेक्नोलॉजी भी बाहर से चाहिए, समझा रहे, और दूसरा हमको इसमें जो भी सामग्री लगती है ना, इक्विपमेंट, समझा गया, कि जो जो इसके लिए सामान चाहिए, ठीक है, वो भी हमको बाहर से
लाना पड़ता है, इसलिए इसका क्या है, इसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, समझ में आ गया, इसका कॉस्ट बढ़ जाता है हमको। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी और इससे जो बायोफ्यूल निकलेगा उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इनका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ये देखो इसका भी, दोनों का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई हमको यहीं पर महंगा पड़ रहा है ना, हम तो बाहर से ले रहे हैं हर चीज़। एक दूसरा दिक्कत ये है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा चैलेंज, इंडिया में ना, इंडिया में क्या होता है, जो वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब होता है वेस्ट को जो अलग अलग करते हैं, याद है कि भाई डस्टबिन होता है, एक में सूखा कचरा डालते हैं, एक में गीला कचरा डालते हैं, समझा रहे हैं, एक में बायोमास रखना चाहिए और एक में सॉलिड वेस्ट रखना चाहिए, दूसरा वाला जो कि बायोडिग्रेडेबल होगा, एक बायोडिग्रेडेबल हो, एक बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसा होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो लोग अच्छे से इसको मैनेज कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो ये वेस्ट सेग्रीगेशन है, समझा कि ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन है इंडिया में, इसको जो पीपल्स पब्लिक होती है वो फॉलो नहीं करती, समझा क्या। तो इसमें क्या होगा, देखो अब मान लो एक डस्टबिन है, उसमें बायोमास भी होगा, देखो इसमें बायोमास भी होगा और इसमें हाउस होल्ड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक वगैरह ये सब भी होंगे, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब इसके कारण क्या होगा, हमको वापस से सेग्रीगेशन करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, और प्रॉपरली तो हम कर नहीं पाएंगे सब सेग्रीगेशन, तो इसका कॉस्ट पहले बढ़ जाता है, इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा, हम पूरी तरीके से तो सब कुछ आउट नहीं कर सकते, इसीलिए बायोमास में कुछ ये मिक्स हो जाते हैं प्लास्टिक वगैरह, तो जिसके कारण एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी वो भी कम हो जाती है, समझा रहे, ये नेक्स्ट है, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ूं, बताओ। नेक्स्ट देखो चौथा पॉइंट, ये सब काम कौन कराता है, ये म्यूनसिपैलिटी वाले कराते हैं ये सब कचरा वगैरह प्रबंधन वाला। तो अब म्यूनसिपैलिटीज के पास पैसा नहीं होता ये सब चलाने के लिए, समझ में, देखो तो वैसे ही महंगा पड़ता है ये, समझ में आ गया। तो वो लोग क्या करते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देते, वो लोग जा करके सीधे एक टापू में फेंक देते हैं कचरा, जैसे भोपाल में वहाँ है ना, क्या बोलते हैं उसको, करौंद के पास जाते समय जो पड़ता है, ठीक। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई, एक तो जो ये होते हैं म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, इनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इनके पास क्या है, पैसे नहीं होते, सुन मैं रहे, इनके पास पैसे नहीं होते तो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर इन्वेस्ट नहीं करते, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स पर डू नॉट गेट मच अटेंशन, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, सरकार की भी कोई ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह ढंग की है नहीं जो इनको सपोर्ट करे, समझ में आ रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ कंड्यूसिव पॉलिसी सरकार की भी, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कम दिखता है, गवर्नमेंट सपोर्ट, और हमको पता है कि भाई हर चीज़ में गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ये भी हमको कम नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी पिछले 2-3 साल में दिखा है। सोचो शहर के अंदर अगर ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होते हैं तो इनके कारण क्या होता है कि जो आसपास में लोग रहते हैं ना, उनके मन में एक डर बना रहता है, समझा कि भाई इसके कारण कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, समझा कि वेस्ट मैनेज हो रहा है, और इसके कारण ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, वो तो जितना कम से कम हो वो करते हैं, बट फिर भी पॉल्यूशन तो होता है, तो आसपास में बीमारियां वगैरह फैलेंगी, और सोचो ये बायोमास है, सड़ेगा तो पूरे आसपास पूरा बदबू वगैरह फैलता है, समझ रहे। तो इस चीज़ को लेकर के क्या होता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा रिसेंटली बढ़ गए हैं इंडिया में, समझ रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म एंड पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं, समझा गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा भी ये पिछले साल एक न्यूज़ में था, दिल्ली में है ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर वो मतलब वो लगाया था, बोला था कि आप यहाँ पे पूरे में पॉल्यूशन करते हो, उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे, ठीक है। तो ओखला
ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक, इस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, एग्जांपल लेकर के बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सातवां देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेगी, जो इससे एनर्जी आती है, मतलब इससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसका कॉस्ट हाई होगा कम होगा एज कम्पेयर टू सोलार वगैरह? बहुत हाई होगा ना, क्योंकि हमने देखा था इक्विपमेंट भी बाहर से लाना पड़ता है, ये सब भी लाना है, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है ना वो महंगा पड़ता है, समझ में आ गया, इससे जो हम बिजली उत्पादन करेंगे, ठीक ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये इस पर ज़्यादा यहाँ से बिजली लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलोगे, अनअट्रैक्टेड टू पावर कंपनीज। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहां से जो एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी यहां से जो हम निकालते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, कैलोरीफिक वैल्यू वो क्या होती है, कम होती है। क्यों? अभी हमने देखा ना कि भाई इंडिया में क्या होता है, कि भाई इंडिया में जो कचरा होता है उसमें सब कुछ मिक्स होता है, प्लास्टिक भी मिक्स है, ठीक है, मेटल्स भी मिक्स हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी मिक्स हैं, उसके कारण जब हम उनको बर्न करेंगे तो भाई सोचो, अपन ने 10 किलो बायोमास बर्न किया पर उसमें 2 किलो कचरा भी तो था, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पादन होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अभी देखा था ना, क्लियर। और एक और चीज़ याद रखो, ऐसा और एक चीज़ के कारण होता है कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा जब होता है तब भी वैल्यू कम होता है, इसीलिए कोल जो बहुत ड्राई होता है ना उससे ज़्यादा हीट निकलेगी, कोल मॉइस्चर, अगर कोल में मॉइस्चर है तो उसमें से आप धुआं ही धुआं निकालेगा, वो हीट नहीं निकालता, समझना क्या, मॉइस्चर कंटेंट भी हमारे यहाँ हाई होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सोचो ना, उसमें पानी कचरा सब कुछ एक साथ डाल देते हैं, क्लियर, हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक, क्लियर है ये बात। लास्ट में क्या बताओगे भाई, हमारे यहाँ जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, मतलब इसको रन करना ना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को रन करना, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव टू रन, क्लियर, एक्सपेंसिव टू रन, ठीक, क्लियर है। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब भी जो होगी बंद वो हो जाती। और लास्ट एक याद कर लो, ये 10वां पॉइंट है ना भाई, हमारे यहाँ जो भी एग्जिस्टिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैं, ठीक, वो बहुत लो कैपेसिटी में काम करते हैं, समझा क्या, वर्क्स एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, वर्क्स इन वेरी लो कैपेसिटी, ठीक। देखो इसीलिए ये धीरे धीरे करके एक चैलेंजेस ये है कि ये भाई बंद होते जा रहे हैं, समझा क्या, दे आर बीइंग क्लोज्ड फ्रीक्वेंटली, अक्सर चालू होते हैं और बंद हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक आर्टिकल आया था, उसमें बता रहा था वो कि भाई जब 15 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप हुए थे, कब, 1987 से लेकर के अभी तक, समझा कि 15 सेटअप हुए थे, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ 7 ही काम करते हैं पूरे इंडिया में, 7, ठीक है ना, 7 to 8 ही वर्क्स कर रहे हैं, क्लियर है ये बात, ठीक है, 7-8 ही काम कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं और उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, क्लियर है ये बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल, हमने क्या क्या देख लिया भाई, हमने देख लिया बायोफ्यूल, समझ लिया क्या होता है, पहले बायोमास समझा, हाँ समझ लिया, बायोफ्यूल समझा, हाँ समझ लिया, इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, मिथेनॉल, बायोब्यूटेनॉल, ये सब देखा था। फिर हमने सोचा था कि भाई इस यहाँ से यहाँ बनने के लिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसका समझा कि क्या है ये, फिर समझा कि भाई इसका एडवांटेज क्या है, फिर देखा कि भाई इसका चैलेंजेस क्या है, ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या हो गया, समझ गया ना, वही चीज़ लिखना है, जैसे एफिशिएंसी कम हो रही है, ठीक है, महंगा पड़ता है, ये सब उसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है। जो चैलेंजेस में देखा हमने, नेगेटिव पॉइंट्स,
वो सब उसके डिसएडवांटेज हो गए। तो इतना सब कुछ हमने देख लिया। ठीक, अब जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है आपका ये क्या, कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल, कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये टोटल हमने इसको डिवाइड किया कि भाई चार कैटेगरीज होते हैं, समझ में आ रहा। अब देखते हैं इसको, इसको जनरेशन के हिसाब से बोलते हैं। एक हो गया फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक, अब समझो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल किसको बोलते हैं, ऐसे बायोफ्यूल जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना जिनको हम खाते हैं उनमें से अगर हम बायोफ्यूल बनाएं तो उसको बोल देते हैं क्या, फर्स्ट जनरेशन, समझ में आ गया। तो ये कहाँ से बनाए जाते हैं, मेड फ्रॉम, कीवर्ड याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, फूड सोर्सेस, फूड सोर्सेस। ठीक, कहाँ से, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना जिनको हम खाते हैं, जैसे कि सच एज शक्कर से, शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, एनिमल फैट, समझ में आ गया। इससे हम क्या यूज करते हैं, इससे जो बायोफ्यूल बनाते हैं ना उसको हम क्या बोल देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन। और इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, वो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल समझ गया ना, परंपरागत तकनीक यूज करते हैं, आधुनिक तकनीक नहीं यूज करते, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। फिर इसके एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल बता दिया मैंने तुमको, एग्जांपल क्या है, तो बायोगैस जैसे हम बनाते थे ना, बायोगैस, गोबर गैस याद है, परंपरागत तौर पे ही बना रहे थे ना बायोगैस की, सड़ने देते हैं उसको और फिर उसमें से मीथेन गैस कर लेते हैं, ठीक है, बायोडीजल, ठीक है, फिर बायो अल्कोहल, जैसे बायो इथेनॉल, समझ में आ गया, ये सब इसके उदाहरण है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन से ही बनेंगे, देखो ये बना, ये तो बायोफ्यूल है, ये तरीके इनके बहुत डिफरेंट होते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन से भी बनाए जा सकते हैं, सेकेंड जनरेशन से भी बनाए जा सकते हैं, थर्ड जनरेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कोई, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। लेकिन ये क्या है, इसमें सोचिए ये होता है ना, जो ये फर्स्ट जनरेशन और परंपरागत तकनीक है, लेकिन इसमें जो बायोफ्यूल होते हैं ना वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना, ये एमिट करते हैं, उतना नहीं करते उनके जितना जितना कोल और पेट्रोलियम करते हैं, बट ये फिर भी करते हैं, एमिट्स ग्रीन हाउस गैस, हरित ग्रह जो गैस होती है ना उनको ये एमिट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, देखो कन्वर्जन करना तो बहुत ईजी है, कन्वर्जन प्रोसेस मतलब वेस्ट से बायोफ्यूल बनाना तो इजी है, ये इजी है, ठीक है, ये इजी प्रोसेस है, बट इसमें दिक्कत ये है कि भाई हम काहे का यूज करते हैं, हम खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं, तो भाई अगर इनका ही यूज करेंगे और बायोफ्यूल बनाएंगे तो हमारे देश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको, उस पर संकट नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भाई इसके कारण क्या होगा, देखो इसके कारण क्या होगा, देखो इजी तो है बट इशू क्या है, इशू ये है कि भाई हम क्या यूज कर रहे हैं, फूड सोर्सेस का यूज करते हैं, क्रॉप्स का यूज करेंगे, क्रॉप्स को हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर दिए, अब वो खाने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, हम उनका काहे का में यूज कर रहे हैं, बायोडीजल में, इसको हम डाइवर्ट कर दिए काहे में, बायोफ्यूल बनाने के लिए। इसके कारण क्या होगा कि मार्केट में उनकी कमी आ जाएगी ना, और जब किसी चीज की कमी आ जाती है तो वो महंगे में बिकने लगता है कि नहीं बिकने लगता, तो मार्केट में उनका जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा उसका, फिर वही भुखमरी और हंगर की दिक्कत, ठीक है ना, तो हंगर की प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ गया, प्राइस बढ़ जाएंगे उनके, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्लियर है। तो ये है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, क्लियर है, बताओ, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, हम्म,
सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, सेकेंड जनरेशन ये भी हम कहाँ से बनाते हैं, जो खाने वाला क्रॉप होता है ना उनका जो कचरा बच जाता है उनसे हम यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि मान लो कि भाई गेहूँ जब हम उगा रहे हैं तो गेहूँ में से वो तो निकाल लिया हमने गेहूँ, अब जो कचरा बचा है उसका यूज़ करके बायोफ्यूल बनाएंगे, समझ में आ रहा है। जैसे गन्ना है, गन्ने को हमने यूज़ कर लिया लेकिन गन्ने का जो कचरा बच गया उसका हम यूज़ कर लेंगे, समझ में आ रहा है। धान है, धान में से हमने क्या कर चावल निकाल लिया, अब जो वो कचरा बच गया उससे हम यूज़ करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। तो ये याद रखना, ये कहाँ से यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस्ड। तो ये फूड क्रॉप बोलोगे कि नॉन फूड क्रॉप बोलोगे, नॉन फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स, समझा क्या। जो अखाद्य पदार्थ होते हैं ना वो तो खाद्य पदार्थ होते थे, ये अखाद्य जो हम खाते नहीं हैं, समझा क्या, उनसे हम बना रहे हैं, ठीक है ना। उससे हम क्या बनाते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स, या फिर जो कि पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, जो कि हम कंज्यूम नहीं करते, समझा क्या। तो दैट आर नॉन एडिबल, जिसको हम खाते नहीं हैं उनसे, ठीक है, जिसको हम खाएंगे नहीं उनसे हम अगर बायोफ्यूल बनाते हैं तो पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप मतलब जो उसका वेस्ट बचता है उससे, जैसे कि एग्जांपल राइस हस्क, राइस हस्क जो चावल का भूसी जो बच जाता है ना उसको बोल रहे हैं राइस हस्क। फिर तने हो गए पेड़ के, स्टेम्स, जो लकड़ी की छिलपी होती है, वुड चिप्स, ठीक है, जो हम जैसे मान लो संतरा खाए, संतरा खाने के बाद जो उसका छिलका बच गया जिनको हम क्या बोल रहे हैं, उनका पल्प्स, ठीक, पीलिंग्स, जैसे कि प्याज का जो छिलका वगैरह है ये सब क्या हो गए, पीलिंग्स हो गए, समझ में आ गया। तो इनका यूज़ करके हम इनको काहे में कन्वर्ट करते हैं, इनसे यूज़ करके हम बायोफ्यूल बनाते हैं। अब बायोफ्यूल कैसे बनेगा, उसका एक ही तकरीर, इनमें कोई ना कोई प्रोसेस यूज़ होगी, है ना। और वो प्रोसेस कौन सी हो सकती है, हमको पता है, वो या तो थर्मल यूज़ कर रहे होंगे या तो नॉन थर्मल यूज़ करते थे, है ना, नॉन थर्मल। उसमें हमने देखा था कि भाई इसमें फर्मेंटेशन करना, इसमें कंपोस्टिंग करना, इसमें कैटालिसिस करना, इसमें देखा था कि भाई इसमें पायरोलिसिस करना, इंसिनरेशन करना, गैसिफिकेशन करना, प्रोसेस यही यूज़ होंगे, समझा गया, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल भी इससे बनाते हैं, बायोडीजल भी इससे बनाते हैं। तो अभी देखा था पिछले बार में, बायोडीजल भी मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन से भी बना सकते हो आप, सेकेंड जनरेशन का भी यूज़ करोगे, बट अगर सेकेंड जनरेशन का यूज़ करोगे ना तो इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस आ रही थी ना, ग्रीन हाउस गैस जो एमिट हो रही थी वो कम होंगी, किसके कंपेरिजन में, उसके कंपेरिजन में, फर्स्ट जनरेशन वाले में, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक, ठीक है ना, एग्जांपल देख लिया हमने, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्शन है ना थोड़ा सा पहले वाले का बहुत इजी था ना, देखा था ना, इजी टू प्रोड्यूस, इसका जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोडक्शन कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अड़चन आती है इनके प्रोडक्शन में, क्लियर। लेकिन ये एक चीज़ ये है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि भाई उसमें हम खाद्य पदार्थ को डाइवर्ट कर दे रहे थे, यहाँ पर तो वेस्ट से, वेस्ट को हम वो कर ले रहे हैं ना, तो इसका एडवांटेज क्या है कि भाई ये डू नॉट अफेक्ट फूड इकोनॉमी, जो खाद्य आर्थिक संकट वगैरह का जो भी उसमें हम जूझ रहे थे यहाँ पर वो सब दिक्कत नहीं जा रही है, समझ में आ गया, यहाँ पर वो अफेक्ट नहीं करता है फूड इकोनॉमी, क्लियर है सेकेंड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, इसमें याद रखना, इसमें क्या करते हैं हम यूज करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनका यूज करते हैं और वेस्ट को कन्वर्ट कराते हैं काहे में, ऊर्जा में। जैसे याद करो फर्मेंटेशन, याद आया, फर्मेंटेशन में, कंपोस्टिंग में,
इन सब में हमने देखा था ना कि भाई हम उनको यूज करते हैं, तो इसमें याद रखना कि प्रोड्यूस फ्रॉम, सब में पहली चीज याद रख लो कौन किससे बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूस्ड यूजिंग कर लो, यूजिंग फ्रॉम यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एल्गी, काई जो होती है ना, काई वगैरह का यूज करते हैं हम, ठीक है, पानी में जो उगता है काई, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो ये होता है बायो, ये बायोमास, इसमें हम क्या यूज डालेंगे, हमने इसमें डाल दिया भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि इसको काहे में कन्वर्ट करेंगे, बायोफ्यूल्स में, ठीक, क्लियर। अब मतलब क्या है एग्जांपल, इसका एग्जांपल इसमें ये है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसका एक एग्जांपल, इसमें होता क्या है, जितने भी बायोफ्यूल है ना, अभी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सबसे तेजी से अगर किसी में ग्रोथ हो रही, सब ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को, तो यही लग रहा है, तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ये याद रखना, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ ऑल बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल सोर्सेस, ठीक। और एक और लास्ट में एक चीज लिख रहा हूं, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल, ये कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, मान लो बायोफ्यूल मैं बना रहा हूं, मैंने क्या बताया था कि वो लोग सब कार्बन उत्सर्जन करते हैं ना, तो भाई इसमें क्या होता है, जितना कार्बन उत्सर्जन इसने किया, मान लो 100 यूनिट इसके दौरान 100 यूनिट उत्सर्जन हुआ था, पर वो उतना ही 100 यूनिट को वापस ले लेता है, मतलब कैसे कि भाई अब तुमने ये काई है, काई क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी तो सोचो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ले ली ना, तो मान लो पहले से ही उसने 100 यूनिट अंदर ले लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ गया, अब बाद में इस प्रक्रिया के दौरान जो भी बायोफ्यूल बना, अब वो 100 यूनिट ही ऊपर छोड़ेगा, तो बैलेंस हो गया ना भाई, जितना हमने छोड़ा है उतना तो हमने वापस ले लिया था, इसीलिए इसमें ये नहीं लिखते कि भाई ग्रीन हाउस गैस वो एमिट करता है कि नहीं करता, उसमें लिख रहे थे ना वो कार्बन उत्सर्जन करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन ये वाला क्या लिख रहे, कार्बन न्यूट्रल है ना, तो ये उत्सर्जन कर रहा है ज्यादा, समझना कि ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा, मतलब जितना इसने उत्सर्जन किया उतना तो पूरी प्रोसेस में इसने ऑलरेडी वातावरण से उतना अंदर ले लिया था, समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड 100 यूनिट अगर छोड़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड 100 यूनिट ही अंदर ले चुका होगा, ये समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ, कार्बन यूनिट का मतलब, ये न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोलो क्या है इसका मतलब, हाँ समझ गए, ठीक है। अब देखो फोर्थ जनरेशन, समझो फोर्थ जनरेशन किसको बोलेंगे, ये क्या करेंगे, देखो ये क्या यूज करते हैं, दे यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, हम क्या कर रहे हैं समझो इसको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का मतलब क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का मतलब ये है भाई, मैंने एक क्रॉप बनाया, ठीक है, मैंने एक क्रॉप बनाया, अब मैंने उसमें क्या कर दिया है ना, उनके जीन्स के उनके अंदर का जो जीएम क्रॉप समझते हो ना, जीएम क्रॉप बस वही कर दिया मैंने, इसमें क्या यूज कर रहा हूँ मैं, जीएम क्रॉप्स मतलब उनके जीन्स को क्या कर दिया, जीन्स को मॉडिफाई करके दिया, मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, कैसा मॉडिफाई कर दिया, ताकि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो भी था ना उसको अवशोषित करें, समझा क्या, ऐसा मॉडिफाई किया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वातावरण में है उसको ये ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एब्जॉर्ब करें, समझा क्या, ऐसा मैंने इसको यूज किया है। अब वही तो बायोमास में मैंने क्या बताया था, बायोमास में जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा है ना, उतना ज्यादा उसके उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाई होती है, इसीलिए पेट्रोलियम में ज्यादा होती है कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू कोल, और उससे भी ज्यादा ग्रेफाइट में, कार्बन में 100%, लेकिन कार्बन बर्नेबल नहीं है, उसको हम जला नहीं सकते डायमंड वगैरह, तो कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होता है, इसीलिए वो जो कोल का ग्रेड होता है, याद करो एंथ्रासाइट बिटुमिनस, एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा क्यों समझते हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा कार्बन होता है उसमें, समझ में आ रहा है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू
ये बढ़ती है। और यहाँ पर देखो, एक तो ये कार्बन कंटेंट कम कर रहा है, इसके कारण क्या होगा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इसको ये बोलते हैं कि भाई कार्बन को ये क्या करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन समझते हो ना प्रिंसिपल। ये क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि भाई ये है एटमॉस्फियर, वायुमंडल, इसमें क्या है कार्बन की मात्रा बढ़ी है, तो इसको हम क्या करें, कम कर दें, इसको रिड्यूस कर दो और इसको कहीं पर परमानेंटली जमीन के अंदर या फिर कहीं पर स्टोर कर दो, और उसको स्टोर कर दो परमानेंटली। जनरली ऐसा अंडरग्राउंड कर देते हैं, समझ में आ रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो पढ़ा है ना तुमने, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम ना, ये जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करते हैं, लेकिन इसमें करते क्या, हम टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं ना, कौन सी टेक्नोलॉजी, वही जो सेकेंड जनरेशन में करते थे, सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो सेकेंड जनरेशन में भी देखो नॉन फूड क्रॉप्स यूज कर रहे थे ना, पेड़ पौधे और उनका वेस्ट यूज कर रहे थे, प्रोसेस वही रहेगी, बट हमने क्या कर दिया, उनको जेनेटिकली चेंज कर दिया थोड़ा सा, समझ में आ गया, इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं, तो ये कैसा कंसेप्ट हो जाता है, कार्बन नेगेटिव हो गया, मतलब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितना कार्बन इसने छोड़ा होगा उससे ज़्यादा तो इसने अवशोषित कर दिया, मतलब क्या होता है, कार्बन रिलीज ज़्यादा होगा कि एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, कार्बन रिलीज कम है, कार्बन एब्जॉर्ब ज़्यादा है, कार्बन एब्जॉर्ब ज़्यादा किया है और रिलीज कम किया है, समझ आ रहा है, ठीक। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं, क्लियर है ये बात, बस याद रखना है क्या कीवर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का यूज़ करते हैं, और क्या है ये, कार्बन नेगेटिव है, वो एक था देखो, एक में कार्बन रिलीज हो रहे थे, सेकेंड वाले में भी कार्बन रिलीज हो, थर्ड वाले में न्यूट्रल था, ना तो रिलीज हो रहा था ना तो अवशोषित हो रहा था, इसमें क्या होता है कि भाई रिलीज नहीं होता है, अवशोषित ज्यादा होता है, समझ में आ गई बात, चलो देख लिया ना। अब देखते हैं क्या भाई, बायोफ्यूल और उसका तीनों हमने देख लिया था कि चार जनरेशन, एग्जांपल वगैरह सब कुछ याद कर लिया अपन ने, अब बढ़ते हैं अपन कि भाई इसका एडवांटेजेस क्या है, बायोफ्यूल का क्या एडवांटेजेस, क्या होगा बायोफ्यूल का अगर यूज करेंगे तो भाई, ठीक है बायोफ्यूल यूज करने से कुछ तो हमको लाभ हो, क्या क्या लाभ है इसके, तो पहला ये कैसा है, क्लीन है, मतलब कैसा है, ये रिन्यूएबल है ना, बार बार हम इनको यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है, क्लियर, क्लीन है, रिन्यूएबल है, पहली बात, ठीक है। अब बताओ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है भाई, कहाँ कहाँ से, किस किस चीज़ से हम इसको उत्पादन कर सकते हैं, केले के छिलके से, पत्तों से, क्रॉप से, नॉन क्रॉप से, एल्गी से, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, समझा गया, मतलब क्या है कि भाई इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाइड रेंजेस ऑफ मटेरियल, क्लियर है कि बहुत, इसका जो सोर्स है ना बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, डिफरेंट सोर्सेस जैसे कि क्रॉप वेस्ट, फूड क्रॉप से भी बना सकते हैं, दूसरा अभी क्या देखा, मैन्योर से भी बना सकते हो आप, ठीक है, नेक्स्ट देखा था कि भाई एल्गी से बना सकते थे, समझ रहे हैं, तो भाई रेंज बहुत ज़्यादा है इसकी, है ना, बहुत सारा है, मतलब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इससे जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन वो भी कम होता है, वेरी लेस, और उसमें याद करो थर्ड और फोर्थ जनरेशन में तो क्या होता है, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में वो तो कार्बन एक तो न्यूट्रल है और एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता था ना, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब समझ में आ गया ना भाई, ऊपर से वायुमंडल से कार्बन जितना उत्सर्जन हो रहा है उनको कम करो, तो उसमें करते के जैसे फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ले लिया और उसकी लकड़ी में बन गई, लकड़ी में जमा होगा जा करके, समझ में आ रहा, तो वो सब क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, वो तो नेचुरल होता है, हम क्या करें आर्टिफिशियली बनाए, ऐसा करें कि भाई आर्टिफिशियली बन जाए वो, समझ में आ रहा है, इसको बोल रहे हैं ये कर रहा है। नेक्स्ट बताओ, ऐसा करेंगे अगर हम तो भाई उससे क्या होगा, हम आर्थिक जो ऊर्जा संकट है उससे निपट पाएंगे ना, हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो पहला तो भाई
डिपेंडेंस कम होगी हमारी। डिपेंडेंस किस किस चीज पर कम होगी ये हमने देखा था, एक तो फॉसिल फ्यूल पर, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल पेट्रोलियम वगैरह पर, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस इन पर, और दूसरा हमने देखा था कि फॉरेन कंट्रीज पर भी, फॉरेन कंट्रीज पर भी हमारा डिपेंडेंस कम होगा। नेक्स्ट क्या बताया था मैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी वो हम अपना बना सकते हैं ना, एंश्योर कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब ऊर्जा सुरक्षा, ठीक ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा बना सकते हैं। कैसे भाई, दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, इन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, तो आर्थिक संकट से निपट सकते हैं ना, आर्थिक बोल रहा हूँ, ऊर्जा संकट से निपटान हो सकता है हमारा, ऊर्जा संकट। मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कैन ठीक है, एनर्जी क्राइसिस से हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक, तो एनर्जी क्राइसिस से लड़ना मतलब अपने आप को सिक्योर करना, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी भी हो गया। नेक्स्ट, इससे आर्थिक, आर्थिक एक बल भी मिलेगा ना भाई, क्योंकि इतने सारी चीज़ें जब करेंगे तो रोजगार भी तो पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा, लोग अलग अलग फूड नॉन फूड क्रॉप्स उगाने लगेंगे ताकि उनका यूज़ हो बायोफ्यूल में, तो जो किसान की आर्थिक संकट हो रही थी उन सबसे निपट पाएंगे कि नहीं निपट पाएंगे, तो इकोनॉमिक स्टिम्युलेशन, समझ में आ गया कि भाई उसको एक बल मिल सकता है, आर्थिक बल मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, बूस्ट मिलेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को, बूस्ट टू एग्री इंडस्ट्रीज, ठीक, और ये लोकल जो आसपास के लोग होंगे उनके लिए अच्छा होगा ना भाई, जहां ये प्लांट लगेंगे वहां के आसपास लोगों के लिए अच्छा है ना, तो बायोफ्यूल्स बेनिफिट क्या करेंगे, बेनिफिट्स लोकल्स, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आते हैं, वेस्ट तो वहीं से आएगा ना, लोकल से, प्रोड्यूस लोकली, क्लियर है, ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं उसके। ठीक, डिसएडवांटेज देख लेते हैं फटाक से, इसको मैं आगे बढ़ जाऊं, बताओ आगे बढ़े, ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला मैंने क्या बताया, एफिशिएंसी कम होती है, समझ में आ गया, मान लो कि भाई एक पेट्रोलियम से जितनी ऊर्जा निकलती है ना, और हम बायोफ्यूल से निकालेंगे, तो पेट्रोलियम वाले में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम हो गई, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल वगैरह से जो भी ऊर्जा निकलती है ना, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बायोफ्यूल से, ठीक, क्लियर है, एक तो ये है, दूसरा इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट महंगा पड़ता है, ये कोयला सस्ता पड़ेगा भाई, कोयले से बिजली उत्पादन करोगे तो सस्ता पड़ता है, इनसे बिजली उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी चिकल्लस रहते हैं, बहुत सारा झंझट रहता है, तो एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, तीसरी चीज फूड शॉर्टेज भी तो हो सकता है, अभी देखा था ना फूड डाइवर्ट कर दिया अगर तुमने, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो चौथा, क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे उनकी कटाई होगी तो फिर वही पर्यावरण को दिक्कत होने लगेगी, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, समझ गए, तो इसकी भी प्रॉब्लम, पर्यावरण को नष्ट करने लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट पांचवा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट भाई, इनमें क्रॉप्स वगैरह उगाना है ये सब करना, पानी की बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ना, और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि भाई पानी का दिक्कत पड़ेगा, फिर पीने को पानी नहीं है, सब यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, समझ गए, तो वाटर यूज़, वाटर यूज़ ये बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, समझ गए, जिसके कारण
जो स्ट्रेस टू ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसमें दिक्कत, उस पर थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, ठीक है। और जो आसपास का रीजनल वाटर सोर्स है, मान लो तालाब वगैरह है, मान लो ग्राउंड वाटर नहीं तो तालाब वगैरह से पानी लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, ठीक ठीक है। और लास्ट में तो लिख दिया, मतलब कॉस्ट कैसा है, मतलब एक्सपेंसिव है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए, क्लियर है। लास्ट है जो इसमें वो है, उसको बोलते हैं हम क्या, कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या इससे रिलेटेड अभी तक मतलब स्टेप्स लिए हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है। इससे बाहर का कुछ बायोफ्यूल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं, समझा क्या भाई। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए सरकार ने, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक। सबसे पहला देखो, सरकार ने एक, अब समझ लो इससे रिलेटेड काम कौन सा मंत्रालय देखता है। तो देखो, एक है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझा क्या, ये मंत्रालय है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, समझा क्या। बायोटेक जानते हो ना, बायोटेक का काम इंडिया में कौन देखती है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी काम होता है इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है देखती है, जो किसके अंदर, कौन सी मंत्रालय के अंदर काम करती है, इसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसने क्या बनाया है, देखो इसने क्या क्या काम किया। पहला काम, इसने डेवलप्ड क्या डेवलप किया है, समझो इसको, इसने डेवलप्ड किया है जो अभी हमने पढ़ा था ना 2G टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन वाली जो बायोफ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी है ना, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी इसने बनाई, और इसने इसको दे दिया किसको, प्राइवेट कंपनीज को, समझा क्या, ऑयल मार्केट कंपनीज उनको दे दिया कि भाई ये हमने टेक्नोलॉजी बनाई है और इसको हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। इसके कारण क्या होगा, ये ऑयल मार्केट कंपनी बहुत सारे प्लांट्स तैयार करेंगी बहुत सारे, जिससे क्या होगा, बायोफ्यूल जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा बायोफ्यूल जनरेट होगा, बाकी आपको पता है कि भाई आर्थिक ऊर्जा संकट से हम निपट पाएंगे, ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगी, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, खुद हम सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएंगे, ये सब तो तुमको पता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, एक तो इसने ये कर दिया, दूसरा क्या किया इसने, ठीक, इसने मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे एंजाइम्स बनाए, एंजाइम्स बनाने मतलब देखा था ना कि बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया बहुत स्लो चलती है, उसको अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए तो उसके लिए क्या हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, उन एंजाइम्स को इसने बनाया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बताया, इसने क्या डेवलप किया है, दूसरा इंडिजिनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यहीं का है, हमने खुद बनाया, इंडिजिनस सेलुलिटिक एंजाइम्स, ये तुम बस इतना याद रखो कि एंजाइम्स बनाया है, ठीक है ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक। थर्ड इसने क्या कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड लोगों को, ठीक है। फिर क्या करता है, एनकरेज करता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, एनकरेजेस private researchers in field of bioenergy, ताकि आप biomass से ऊर्जा वगैरह generate करो, समझा क्या। इसके लिए वो क्या करता है, fellowship देता है, fellowship देता, awards देता है, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर क्या करें, research वगैरह करना चालू करें, ठीक। इसने देखो, मैंने बताया ना कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना करके दे रहा, ठीक है, जैसे वो थर्ड जनरेशन वाली जो टेक्नोलॉजी थी ना, उससे रिलेटेड इसने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें एल्गी का यूज़ करके हम जब वो बनाते हैं ना बायोफ्यूल, उससे रिलेटेड इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। तो इसमें
एल्गी बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, देखो कुछ इन्होंने कुछ वो ढूंढा, काई एल्गी ढूंढा, उन एल्गियों को इन्होंने जो नाली का पानी होता है ना उसमें मिलाया, ठीक है, उसमें से मिला करके इन्होंने देखा कि भाई उसमें से क्या करा, उसमें से ऊर्जा निकाली उन्होंने, ठीक है, उसमें से बायोफ्यूल जनरेट किया, ठीक, क्लियर है ना। ये वाली टेक्नोलॉजी इसने बनाई थी और इसने ट्रांसफर करी किसको, ये सब जो प्राइवेट कंपनीज और ये जो रिसर्चर्स होते हैं, क्लियर है, देख लिया। ये पहला पॉइंट था अपना कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या किया, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट बढ़े आगे, आगे बढ़ूं, ठीक है। अब यहां पे देखो एक स्कीम है पीएम जी वन योजना, ये क्या है, देखो प्रधानमंत्री जैव ईंधन है ये, समझ में आ गया, जी वन मतलब जैन इन जैव ईंधन योजना, ठीक है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है ये सरकार क्या कर रही है, एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, समझ में क्या, एक ऐसा पूरा तैयार कर रही है ताकि 2G जो सेक्टर है ना उसको बूस्ट मिले, समझ में क्या, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी प्राइवेट कंपनीज उन पर काम कर रही है ना उनको पैसा मिले, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए सरकार के थ्रू वो सब मिले, ठीक है। इसमें क्या कर रही है, टू क्रिएट इकोसिस्टम, एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है ताकि उससे क्या हो, सेटअप हो, क्या सेटअप हो, 2G इथेनॉल प्लांट्स, समझा क्या, और इससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े, समझा क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा 2G जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो हमारे देश में बने, समझा रहे। प्लस इसमें से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है, किसको, जो भी प्रोजेक्ट्स इसमें लगाएगा, समझा क्या, उनको इंसेंटिव्स देती है सरकार, ठीक है, उनको इंसेंटिव्स के साथ साथ अदर सपोर्ट जो भी होते हैं, ठीक है, ये सब ताकि 2G प्लांट्स में बूस्ट आए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बूस्ट आए, समझा क्या। नेक्स्ट देखो, ये क्लियर है, ये मिटाऊं, बताओ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है सरकार का, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। देखो 2018 में ये बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, इसके अंदर में एक प्रोविज़न है कि भाई 20% हम, देखो जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं ना उसमें सरकार की ये नीति है कि भाई पेट्रोल में मान लो कि भाई 100 लीटर पेट्रोल मार्केट में बिकने आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो 80 लीटर पेट्रोल हो और 20 लीटर क्या आ जाए, इथेनॉल आ जाए, समझ में क्या, इथेनॉल, ये दोनों मिला करके अब ये 100 लीटर जो मार्केट में बिकेगा ना तो उसमें याद रखना कि ये इथेनॉल भी मिला हुआ रहता है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं कि सरकार क्या चाहेगी, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। कहाँ पर ये इथेनॉल कहाँ मिलाया जाता है, पेट्रोल में, देखो OL एक ही ग्रुप में मिलाओगे तुम, समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो पेट्रोल से बस गाड़ी चलती है कि डीजल से भी चलती है। तो 5% बोला है कि बायोडीजल भी मिलाया जाएगा, बायोडीजल काहे में, डीजल में जो हमारे मार्केट में डीजल बिकता है, समझ आएगा, इसको बोलते हैं क्या, डीजल ब्लेंडिंग। ये कब तक करना है, ये सब हमको अचीव करना है धीरे धीरे करके 2030 तक, मतलब 2030 तक जब भी मार्केट में पेट्रोल आएगा ना तो उसमें अभी के समय में 5-10% इथेनॉल मिला रहता है, पर सरकार का टारगेट ये है कि भाई 2030 तक कितना मिला रहे, 20%, और इसके लिए कितना मिला रहे बायोडीजल के लिए, तो याद रखना कितना बोला है, 5%, ठीक है। इसी में और एक चीज़ क्या बोली है,
इसमें क्या हो रहा है, सरकार ने जीएसटी भी कम किया है, जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल इसका जीएसटी जो लगता है इस पर उसको कम किया है, समझ आ रहा है, जीएसटी को कम किया है ताकि इसमें से ज़्यादा ब्लेंडिंग हो, टू प्रमोट ब्लेंडिंग। टैक्स तो लगता ही है ना भाई सब पर, तो सरकार ने इसके लिए भाई ब्लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, सस्ता पड़े, इसलिए सरकार ने क्या किया है जीएसटी में। ठीक, क्लियर ना, ये तो कर दिया। अब ये पेट्रोल वगैरह देखती कौन है, कौन सी मंत्रालय देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ही देखेगी ना, इसकी जिम्मेदारी है ये सबको इम्प्लीमेंट कराने की, समझ में आ गया कि भाई ऐसा ऐसा जो सरकार ने टारगेट रखा ना वो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चलते रहे, समझ में आ गया। ठीक है, सारे फैसिलिटीज दो ताकि पेट्रोल में ये सब मिलाने में कोई दिक्कत ना जाए, समझ में आ गया। तो इसको अच्छी लैंग्वेज में क्या लिख लोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज इथेनॉल सप्लाई फॉर पेट्रोल, समझ में आ गया, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई इथेनॉल आपको पेट्रोल में सप्लाई करवाना है, ठीक है, कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ये सब किसके अंदर है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ही अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बता रहा था, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, ये 2018 में आई थी, इसी के अंदर पहला पॉइंट क्या देख लिया हम लोगों ने, ब्लेंडिंग वाला, इथेनॉल ब्लेंडिंग ये वाला भी देख लिया, कितना 20% है ना। दूसरा बायोडीजल ब्लेंडिंग, ये कितना, ये है 5%, ये दोनों कब, 2030 तक, बाई 2030, ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसने एक चीज़ और करी थी कि भाई मान लो कि भाई किसी साल में जब जो भी क्रॉप्स उत्पादन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया, बूम आ गया, सरप्लस आ गया, जैसे चावल, गेहूं, आटा, भाई 100 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन होना चाहिए था, बट इस साल का मॉनसून इतना अच्छा हुआ कि डबल हो गया, तो फिर ऐसे में तो भाई उसका वैसे भी प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट में जब ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका प्राइस कम हो जाता है। इस केस में ये जो पॉलिसी है ये अलाउ करती है हमको कि जो सरप्लस है ना, सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, ब्लेंड, ये इथेनॉल प्रोडक्शन में, समझ में आ गया, हम उसको यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में, समझ में आ गया। ठीक, फिर यही ये अलाउ करता है कि भाई देखो बहुत सारे मंत्रालय देखते हैं ना ये सब काम, अभी देखा कि भाई डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ जाएगी, बहुत सारे मंत्रालय हैं तो ढंग से काम नहीं हो पाता, तो ये पॉलिसी क्या करती है, कन्वर्जेंस का काम करती है, कन्वर्जेंस अमोंगस्ट कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। मतलब क्या है इसका कि भाई देखो बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन ये पॉलिसी एक दिशा दे देती है कि भाई यहाँ से आगे कैसे एक सिस्टमेटिक वे में काम चले, ये अलग मंत्रालय, ये अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट, पर ऐसा करोगे तो फिर ढंग से कोई चीज़ चल नहीं पाएगी, इसीलिए एक ऐसा एक वो होना चाहिए, इसको बोलते हैं कन्वर्ज कर देना, कोई भी कन्वर्जेंस, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर आ करके एक सारी चीज़ें मिलती हैं उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो अब ये कन्वर्जेंस की तरह काम करती है ये पॉलिसी, जिसमें एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, समझा गया, प्रॉपरली डायरेक्शन मिल जाएगा, एक चैनल मिल जाएगा ताकि ये ढंग से काम हो, समझा गया, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक, ढंग से ये काम करे, इसलिए नेक्स्ट ये पॉलिसी क्या करती है, कैटेगराइज कर देती है, कैटेगरी बना दी। अभी जो हमने देखा था ना कि भाई कैटेगरी कैसे बनाया,
इसने कुछ बताया कि बेसिक फ्यूल्स होते हैं, बेसिक बायोफ्यूल, और एक कैटेगरी बनाती है एडवांस बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल। ठीक, ये क्या कर रही है, बेसिक बायोफ्यूल्स किसको बोल रही है, जो वन जनरेशन से जो हम बनाते हैं ना उसको बेसिक बोल रही है, 2G को ये क्या बोल रही है, एडवांस, 2G 3G 4G ये सब क्या है, एडवांस है। तो फोकस कहाँ है इसका, फोकस किसको कर रही है, ये एडवांस वाले को, समझना क्या, इसके लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसके लिए VGF भी सरकार देती है। VGF मतलब कैसा होता है समझो, कि भाई सरकार ना कुछ पैसा आपको देती है काम करने के लिए, मान लो 100 करोड़ का प्लान प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो उसमें सरकार तुमको खुद से पहले कुछ पैसा देगी, समझा गया, टुकड़ों में पैसा देते रहती है ताकि आप ढंग से काम करते रहो, समझा गया, आप फेल ना हो, समझा गया, आप फेल ना कर जाओ, इसलिए सरकार टुकड़ों में आपको सपोर्ट करते रहती है। इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग का मैकेनिज्म, सरकार काहे के लिए कर रही है ये, एडवांस फ्यूल के लिए, क्लियर है, ठीक, क्लियर है ये पॉलिसी। ये याद रखना, कभी भी बायोफ्यूल पे क्वेश्चन आए ना, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जरूर मेंशन कर देना, क्लियर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लिखो या ना लिखो, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल तो जरूर आंसर में झलकना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ू, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी में एक चीज और याद रखो कि भाई सरप्लस फूड का तो प्रोडक्शन हमने यूज कर लिया ना, सरप्लस फूड वाला तो यूज कर लिया, एक और चीज याद रख लो कि भाई जो ऐसे खाद्य वालों का सरप्लस है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ खाद्य पदार्थ जो खराब हो जाते हैं, समझ में, जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे कि मान लो चावल, गेहूँ, आटा, ये सब सड़ गया, समझ में, अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उनका भी हम यूज कर पाए, एक तो सरप्लस था, सरप्लस में तो यूज कर ही, वो अलाउ कर दिया, प्लस ये क्या कर दिया, एक और अलाउ कर दिया, अलाउस फॉर किस चीज के लिए, यूजिंग क्रॉप्स जो कि अनफिट है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, काहे के लिए यूज कर सकते हो उनका, बताया ना कहां पर, इथेनॉल प्रोडक्शन में, इथेनॉल प्रोडक्शन में, क्लियर है ये बात। और लास्ट में तो वो बता ही दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का जिम्मेदारी है कि भाई पेट्रोल में सप्लाई रेगुलर आती रहे, काहे कि इथेनॉल की, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वाला एंगल तो देख ही लिया है ना, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और इनिशिएटिव सरकार का जिसको बोलते हैं गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना के अंदर देखो ये काहे के अंडर में लाया गया, जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, स्वच्छ भारत अभियान, उस मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया, समझा गया, अंडर ये वाले मिशन, इसके अंदर क्या होता है, जो गांव होते हैं ना वहां पर एक जो प्लांट होता है ना बायोगैस वाला, बायोफ्यूल वाला प्लांट, उसको गांव में लगाया जाता है, समझा गया, उससे क्या होगा, गांव भर से जो भी मैन्योर आता है ना, जो भी क्या बोले उसको, गोबर जो अभी आ रहा है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उसमें से बायोगैस निकाली जाती है, बायोगैस को बेचा जाता है, फिर जो बच जाता है उसमें से खाद उसको भी बेचा जाता है, उससे क्या होता है कि गांव वालों को क्या हो रहा है, रेगुलर पैसे की कमी नहीं पड़ती, सप्लाई उनका बना रहता है, तो वेस्ट था उनका, उससे हम बिजली भी उत्पादन कर ले रहे हैं, बिजली मतलब एनर्जी यूज कर ले रहे हैं, और उससे हम खाद भी उत्पादन कर ले रहे हैं, उनको ये लोग बेच भी लेते हैं, उससे क्या होता है कि इनका रेगुलर सप्लाई बना रहता है, समझ में क्या, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें लिख लो फोकस ऑन, कहाँ पे फोकस है, फोकस ऑन क्या, मैनेजिंग प्लस कन्वर्टिंग, किस चीज को मैनेज करना, किस चीज को कन्वर्ट करना, जो कैटल डंग है, गोबर जो होता है कैटल डंग, ठीक है, इसको मैनेज करना और इसको कन्वर्ट करना, काहे में, बायोगैस में, बायो सीएनजी में, प्लस फर्टिलाइजर में, समझ में आ गया, इससे क्या होगा, इससे देखो एक तो पूरा गांव साफ रहेगा, तभी तो स्वच्छ भारत के अंदर हमने इसको लॉन्च किया है, इससे क्या हो रहा, कीप्स
विलेज क्लीन. नेक्स्ट इससे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो रही, इंक्रीज इनकम. इनकम बढ़ रही ना, इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड. समझा क्या? ये है गोवर्धन योजना. ठीक, नेक्स्ट देखो, लास्ट है ये. नेक्स्ट है रुको इनिशिएटिव. रुको इनिशिएटिव्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है. इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है फसाई ने, लॉन्च बाय. अब ये क्या है समझो, जो मैकडोनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बनाते हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी जो ये सब होती हैं, जैसे कि KFC वगैरह, ये सब में क्या होता है, तेल बहुत यूज़ होता है ना. अब याद करो कि भाई एक समय बाद वो तेल काला हो जाता है, यूज़ करते गए उसको क्या कर दिया जाता है, वो वेस्ट हो गया. अब उसमें से एक समय बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते ना, बहुत समय बाद उसको आपको फेंकना पड़ता है. तो फसाई क्या करता है, वो सबको जो भी देखो होटल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ से जो ये क्या बोलते हैं इनको, KFC वगैरह लोगों को, मैकडीज वगैरह जो होते हैं, समझ में आ गया, मैकडोनल्ड्स, KFC ये सब जो होते हैं ना, यहाँ से जो वेस्ट, जो यूज्ड ऑयल है, यूज्ड ऑयल को क्या करता है, कलेक्ट करता है. समझ में आ गया, एक मैकेनिज्म बनाएगा. अब यूज्ड ऑयल से वो क्या जनरेट करता है, इस पर टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएगा ये, और फिर इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी उत्पादन करते हैं. समझा गया? तो ये जो इनिशिएटिव है उसको बोलते हैं रुको इनिशिएटिव. ठीक, इससे कौन सा फ्यूल निकलता है, इससे बायोफ्यूल हम निकालते हैं ना, बायोफ्यूल निकालते हैं, बायोडीजल जनरेट करते हैं. समझ में आ गया? ये है रुको इनिशिएटिव. क्लियर है? तो अब बायोफ्यूल के टॉपिक में याद रखना क्या क्या याद रखना है. बायोफ्यूल का क्वेश्चन आए तो भाई तुमको कैसे याद रखना है बायोफ्यूल में, एक तो पहले समझ लो टाइप्स, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका एग्जांपल. टाइप्स मतलब उसके जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके एग्जांपल सबके याद होना चाहिए, और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है. कुछ याद हो ना या ना हो, नेशनल जो बायोफ्यूल पॉलिसी है ना 2018 की, वो ज़रूर लिख के आना एग्ज़ाम में. समझ में आ गई बात?